नमस्कार। टारगेट विथ आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट से मैं संदीप तिवारी, आप सभी का मैथ का टीचर। आपकी इस क्लास में मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। पिछली क्लास में दिए गए सजेशन या कमेंट्स के हिसाब से जो आपको पिछली क्लास में बताया गया उसी के आधार पर हम लोग इस क्लासेस को कंटिन्यू कर रहे हैं। लगातार ये क्लासेस आपको सिक्वेंशियल वे में एक एक करके मिलती जाएगी, जो एक सिक्वेंस एक अप्रोच को आपको प्रोवाइड करेगी। मतलब एक सिक्वेंस आपको लगातार मिलेगा जिस माध्यम से आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पर जो पढ़ा रहे हैं बीच बीच के उन टॉपिक्स को उठा करके नहीं एक्सप्लेन किया जा रहा है, एक सिक्वेंस आपको प्रोवाइड किया जा रहा है जिस सिक्वेंस के तहत आप पढ़ाई को अपने कंटिन्यू करने का प्रयास कर सकते हैं। मैंने आपको पिछली क्लास में जो है एक रूपरेखा आपको आपके परीक्षा की तैयारी की हेतु मैथ विषय को लेकर के मैंने आपको समझाया था। आज उस रूपरेखा के आधार पर ही, जैसे मैंने पिछली क्लास में आपसे डिस्कस किया था कि हम आपको नंबर का स्वरूप पढ़ाने की कोशिश करेंगे, नंबर्स के बारे में समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। नंबर एक महत्वपूर्ण भाग है पूरी मैथमेटिक्स का। चाहे आप जिस प्रकार की मैथमेटिक्स पढ़ते हो, आप अर्थमेटिक पढ़ते हैं, आप एडवांस पढ़ते हैं, हालांकि यहाँ पर एडवांस का जिक्र नहीं किया गया है क्योंकि एडवांस में बहुत कुछ होता है। यहाँ पर अंगणित, रेखागणित और बीजगणित के रूप को दिया गया है, लेकिन आप हर प्रकार की मैथमेटिक्स में संख्याओं के स्वरूप के बिना, संख्याओं के स्वरूप को समझे बगैर करने में आपको समर्थता फील होगी। तो उसी सारी चीजों की, उसी सारी दुविधा को दूर करने की पूरी कोशिश की जाएगी इस क्लास के माध्यम से। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग पूरा सपोर्ट और सहयोग करेंगे हर चीज को समझने में, एक्सेप्ट करने में। कमियां सबसे होती हैं, लेकिन कमियों को जो है अगर हम बहुत ही हाइपर कर दे, अपने ऊपर हावी कर दे, तो चीजें आपके लिए डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं उन कमियों से ऊपर उठ करके आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा और आप लोग अपना एक सकारात्मक सहयोग यहाँ पर प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। चलिए, इसी उम्मीद के साथ क्लास की स्टार्टिंग की जाती है। क्लास हम लोग आज एक्चुअली मैथ शुरू करेंगे, गणित की शुरुआत करेंगे। मैंने आपको मैथ विषय के लिए कभी भी, जो आप लोग हमसे पढ़ चुके हैं, मैंने आपको बार बार यही समझाया है कि मैथ एक मीडियम है इंट्रैक्शन का, एक मीडियम है प्रॉब्लम सॉल्विंग का। अन्य भाषाओं की तरह जैसे कि अंग्रेजी और हिंदी होते हैं, आप अंग्रेजी को पढ़ते हैं, आप हिंदी को पढ़ते हैं, तो उसका उद्देश्य यही होता है कि आप विषय पर कमांड पा सके। आप इतिहास भी अंग्रेजी में पढ़ते हैं, आप इतिहास भी हिंदी में पढ़ते हैं, क्योंकि वह एक कम्युनिकेशन का मीडियम होता है। अंग्रेजी हिंदी हमारे यहाँ प्रचलन में है, ज्यादातर हम लोग अंग्रेजी हिंदी का ही प्रयोग यहाँ पर करते हैं भारत में रहकर के। तमाम अन्य देश में अलग अलग भाषाएं प्रयोग में लाई जाती हैं, उसी तरह से यहाँ पर भारत में अंग्रेजी और हिंदी का प्रयोग किया जाता है अधिकतर। और भी प्रांतों में अलग अलग प्रकार की भाषाएं प्रयोग की जाती है, लेकिन जो हम लोग यहाँ पर बताना चाहते हैं उसको हम लोग समझाने के लिए दो ही भाषाएं हमारे लिए कैपेबल है, इन दोनों से हम लोग चीजों को समझ सकते हैं। जैसा कि आप अंग्रेजी पढ़ते हैं तो अंग्रेजी की बेसिक चीजों को पढ़ने की आवश्यकता होती है। हम सबको बहुत अच्छी तरह से पता है कि हर चीज कहीं ना कहीं से आधारित होती है। आप इंग्लिश भाषा को भी अगर देखें तो कहीं ना कहीं से आधारित है, कोई एक प्लान हुआ होगा अंग्रेजी को डेवलप करने के लिए, हिंदी को डेवलप करने के लिए। उस प्लान के तहत कुछ सिंबल डिसाइड किए गए होंगे, जो कि आप लोग अंग्रेजी में 26 देखते हैं, हिंदी में 36 देखते हैं। कुछ स्ट्रक्चर प्रिपेयर किया गया होगा, उन सिंबल्स को मैनेज किया गया होगा। सिंबल्स आप जैसे कि अंग्रेजी में ए से लेकर जेड तक 26 लेटर्स देखते हैं, हिंदी में आप का से लेकर ग्या तक 36 लेटर्स देखते हैं, तो उनका एक प्रॉपर अप्रोच बनाया गया होगा। आप अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करके अगर आप शब्दों की बात करिए, जैसे कि आप सब जानते हैं कि एक स्ट्रक्चर मेंटेन करने के दौरान रूट को सबसे पहले देखा जाता है। रूट में अंग्रेजी में आप देखेंगे तो शुरुआत लेटर से होती है, सिंबल से होती है, प्रतीकों से होती है। उन प्रतीकों को प्रतीकों से जोड़ करके, उन प्रतीकों को प्रतीकों से जोड़ करके शब्द डेवलप करे जाते हैं। आप सब अच्छी तरह से जानते हैं जो शब्द हमें अंग्रेजी भाषा में मिलते हैं वो शब्द आपको जो है उन सिंबल को सिंबल से जोड़कर बनाए जाते हैं, चाहे अंग्रेजी भाषा में देखा जाए, चाहे हिंदी भाषा में देखा जाए। शब्दों को ग्रामेटिकली, ग्रामर का प्रयोग करके, व्याकरण का प्रयोग करके, शब्दों को ग्रामेटिकली अरेंज करके सेंटेंस वाक्यों का जनरेशन, वाक्यों का डेवलपमेंट किया जाता है, वाक्यों को बनाया जाता है। और वाक्यों का प्रयोग करके हम आपस में कम्युनिकेट करते हैं। और अगर हम वाक्यों की भी बात करें तो वाक्यों की भी कैटेगरी है। आप वाक्यों को जब कभी भी मैथ इंग्लिश का ग्रामर पढ़ते हैं तो आप वाक्यों को भी कैटेगराइज कर सकते हैं। दुनिया में किसी भी प्रकार की स्थिति में, वो स्थिति चाहे जिस प्रकार की हो, जिस स्वरूप की हो, जिस विषय की हो, हमेशा और हमेशा केवल तीन ही वाक्य बोले जाते हैं। आप सबको अच्छी तरह से नॉलेज में होगा, प्रेजेंट बोला जाता है, पास्ट बोला जाता है और फ्यूचर बोला जाता है। इसके अलावा कोई वाक्य नहीं बोला जाता है, हम लोग अपनी भाषा में, अपनी जनरल लाइफ में नहीं प्रयोग करते हैं। अब अगर हम लोग इसी सब चीजों को मैथ पे स्वरूप देना शुरू करें, इसी सारा कॉन्सेप्ट अगर हम मैथ पर अप्लाई करना शुरू करें, तो मैथ भी पहली चीज तो उसका एक ऑब्जेक्टिव है, एक उद्देश्य है पढ़ने का। मैंने आपको कल भी बताया, आज भी यही मैं बता रहा हूं, दुनिया की हर समस्या जिस पर कंप्यूटेशन हो सके, कैलकुलेशन परफॉर्म किया जा सके, मैथ से सॉल्व करी जा सकती है, या श्योर है या फैक्ट है।
कई सारे साइंटिस्ट ने इस बातों को सिद्ध किया कि आप कुछ भी कैलकुलेशन अगर लाइफ में कर सकते हैं, और वैसे भी आपको पता है कि हर काम हमारे जीवन का कैलकुलेशन पर आधारित होता है, गणनाओं पर बेस्ड होता है। अगर हम गणनाएं कहीं भी करते हैं तो मैथ लग रही है, और हम जानते हैं कि हम प्रॉब्लम को हल करने के लिए बिना गणनाओं के प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सकते, इसलिए मैथ गणना का स्वरूप है और गणना के लिए संख्याओं की आवश्यकता होती है। तो संख्याओं को भी डेवलप किया गया कहीं से, किसी एक मीडियम से लेकर के आपके सामने प्रेजेंट किया गया, आप उसको लीजिए, आप उसे मंथन कीजिए और उससे अपनी प्रॉब्लम को हल करिए। तो आज हम इन संख्याओं के स्वरूप को पढ़ेंगे, इन संख्याओं के फैक्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो जाहिर सी बात है, इन फैक्ट्स को समझाने के लिए एक सिस्टम रहा होगा, एक सिस्टम रहा होगा। आप सबको अच्छी तरह से पता है कि संख्याओं के भी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए एक सिस्टम होगा, एक प्रणाली होगी, एक माध्यम होगा जो कि इन चीजों को प्रोवाइड किया होगा, क्योंकि यह संख्याओं को समझाने का सिस्टम है, इसलिए यही नंबर सिस्टम है। संख्याओं को समझाने के लिए, जैसे आप साइंस पढ़ते हैं तो साइंस में आप जानते हैं कि तमाम प्रकार की यूनिट्स दी जाती है, जैसे कि आपको अच्छी तरह से पता है कि एक मीटर आपको प्रोवाइड किया जाता है, एक किलोग्राम भार आपको दिया जाता है। तो क्या ऐसे थोड़ी होता है कि एक किलोग्राम भार और एक मीटर आप कहीं से भी किसी को मान लें? पूरे विश्व स्तर पर अगर एक मीटर, एक किलोमीटर, एक किलोग्राम, इस प्रकार की कोई भी इकाई का प्रयोग, कोई भी मात्रक का प्रयोग आप करते हैं, तो जाहिर सी बात उसके पीछे कोई ना कोई एक सिस्टम बना है, जिस सिस्टम के थ्रू इन सब चीजों को गवर्न किया जा रहा है, मैनेज किया जा रहा है। आप सबको अच्छी तरह से पता होगा कि 9th-10th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा कि पेरिस में सेब्रे एक शहर है जहां पर एक अंतरराष्ट्रीय मेजरमेंट ब्यूरो है, इंटरनेशनल मेजरमेंट ब्यूरो है, जहां पर एक लेंथ प्लैटिनम इरिडियम की एक धातु रखी गई है, छड़ रखी गई है, जिस छड़ में 70% प्लैटिनम, 30% इरिडियम होता है, 0 डिग्री टेम्परेचर पर रखा गया जिससे कि उसके अंदर कोई चेंजेस ना आने पाए। उसका जो एक लेंथ है वही आपकी एक मीटर है। इसी प्रकार से एक बाट रखा गया है जिसको वर्ल्ड वाइड सब लोग एक किलोग्राम मीजर किया जाता है। तो यही एक बेस बनाया जाता है। उसी प्रकार से मैंने कहा ना, मैथ को भी पढ़ने के दौरान एक बेस की आवश्यकता होती है। और मैंने कहा कि जैसे हर प्रकार की चीजों को, अंग्रेजी को पढ़ने के लिए उसका भी अपना कोई एक सिस्टम है, उसने उस चीजों को डेवलप किया, सारी चीजों को समझाने की कोशिश की, साइंस की भी हर प्रणाली को समझने का एक प्रकार है, एक अप्रोच है, एक सिस्टम है, उसी प्रकार मैथ की बेसिक इकाई को भी समझाने का एक सिस्टम है, और मैंने आपको कहा वही नंबर सिस्टम है। और वही नंबर सिस्टम हम लोग आज की इस क्लास से पढ़ने जा रहे हैं, और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि हम लोग मैक्सिमम टू मैक्सिमम कराने की कोशिश करेंगे, एक सीक्वेंस से प्रोवाइड करेंगे। ऐसा नहीं कि आज का टॉपिक ये होगा तो कल का टॉपिक कहीं से हम मेंसुरेशन से उठाएंगे, कल का कहीं से उठाएंगे। आप लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है, गुमराह होने की आवश्यकता नहीं, मैं आप अच्छी तरह से आप लोग इस बात को जानते हैं, जो चीजें कही जाती है पूरी की जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। एक गुमराह करने की स्थिति होती है, लोग भ्रम फैलाते हैं, लेकिन आप फैक्ट से अवगत है, जो लोग पढ़ रहे हैं, जो लोग जानते हैं चीजों को। हाँ, मैंने कहा कि परफेक्शन 100% नहीं होता है, किसी के साथ नहीं होता है, भगवान भी सब चीजों को सब इक्वल नहीं बांट पाते, तो हमारे अंदर वो क्षमता नहीं है। लेकिन मैं जिसको भी समझा सका हूं, एक को भी समझा सका हूं, तो मैं अपना अचीवमेंट मानता हूं, ये मैं अपनी प्रतिभा मानता हूं। हाँ, मेरे अंदर एक हुनर है जिसकी वजह से मैं एक लोग को भी समझा पाया हूं। हम ये नहीं कहते कि आप सब लोग सीख जाइए, इसलिए मैं अपनी उसी तन्मयता के साथ बिना किसी भी तरह से हतोत्साहित होकर के आपके सामने अपनी बातों को रखूंगा, और आप लोगों से पूरा उम्मीद है कि आप लोग चीजों को समझेंगे। शुरुआत करते हैं नंबर सिस्टम की, संख्या पद्धति की। समय ना व्यतीत करते हुए, इसलिए मैंने यहां पर चीजों को पहले से मेंटेन कर रखा है आपके लिए, जिससे कि आप हर बात को अच्छी तरह से समझ जाए। मैंने कहा कि हम संख्या प्रणाली पढ़ते हैं, हम यहाँ पर संख्या प्रणाली पढ़ने जा रहे हैं, और उस संख्या प्रणाली जिसके थ्रू मैथ पढ़ी जाती है, जिसको हम नंबर सिस्टम कहते हैं, अगर मुख्य तौर पर देखा जाए तो हम लोग यहाँ पर कई सारी संख्या प्रणालियों का प्रयोग करते हैं। संख्या प्रणालियां कई प्रकार से डेवलप की जाती है, आप लोग देखते हैं। हम लोग यहाँ पर संख्या प्रणालियों की बात करें तो हम यहाँ पर डेसिमल नंबर सिस्टम, जो मुख्यतः हमारी मैथमेटिक्स को डेवलप करने के लिए बनाया जाता है, हम इस संख्या प्रणाली का प्रयोग कर सकते हैं। हम लोग आज की भाषा में देख रहे हैं कि तमाम प्रकार के स्मार्टफोन, कैलकुलेटर, कंप्यूटर, इन सब चीजों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें भी गणनाएं की जाती है, कैलकुलेशंस किए जाते हैं, और वहां पर प्रयोग किया जाने वाला सिस्टम आपका बाइनरी नंबर सिस्टम कहलाता है, द्विआधारी संख्या प्रणाली कहलाती है। अभी मैं इसके बारे में आपको डिटेल जानकारी देता हूं। तीसरी बात, हमने कहा कि ऑक्टल नंबर सिस्टम भी होता है कंप्यूटर का एक अप्रोच, विभिन्न अप्रोच, थोड़ा सा बड़ा अप्रोच, जिसमें कि आपको जो है कंप्यूटर के जैसे कुछ और भी बेसिक फंक्शन होते हैं, कुछ बड़े फंक्शन होते हैं, जैसे कि आप कंप्यूटर का प्रयोग किसी भी प्रकार की नेटवर्किंग के लिए अप्लाई किया जाए किसी एक क्षेत्र में, जैसे उसी एक सर्वर के थ्रू किसी एक
बड़े रीजन को कवर करके हर चीज की गवर्निंग की जाए, हर चीज को नोटिस किया जाए, तो वहां पर एक प्रकार का दूसरा कंप्यूटर काम करता है और उसमें जो भाषा प्रयोग की जाती है, जो प्रणाली प्रयोग की जाती है, उसको ऑक्टल नंबर सिस्टम कहते हैं। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे भी कंप्यूटर होते हैं, जैसे कि आप सुने होंगे सुपर कंप्यूटर होता है। सुपर कंप्यूटर ऐसा कंप्यूटर है जो सैटेलाइट लॉन्चिंग, आप देखते हैं कि सैटेलाइट की लॉन्चिंग जो है एक बड़ा एक अप्रोच होती है, बहुत बड़ा माध्यम होती है तमाम प्रकार के डेवलपमेंट का, और इसके साथ साथ वेदर फॉरकास्टिंग, जैसे कि आप मौसम के बारे में जानकारी हमको मिलती है, आप सैटेलाइट के जरिए ही बैठ करके घर में केबल कनेक्शंस का यूज कर सकते हैं, आप इंटरनेट का प्रयोग कर सकते हैं, इन सब चीजों के लिए हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। मैंने यहां पर इसलिए बता दिया क्योंकि ये सब पार्ट है किसके, संख्या प्रणाली के। संख्या प्रणाली आप जो पढ़ते हैं उसकी ही बात अगर शुरुआत से की जाए तो वही आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, और हमारी पूरी मैथमेटिक्स में हमको दशमलविक संख्या प्रणाली ही पढ़ने को मिलेगी। मैं आपको बता दूं कि टॉपिक बड़े गंभीर है, इसलिए मैं उम्मीद करूंगा कि आप गंभीरता से हर बात को सुनेंगे और समझेंगे, हर चीज को आप, हर पहलू को आप अच्छी तरह से नोटिस करेंगे और सारी बातें गारंटीड आपको समझ में आएंगी। मैंने कहा कि हम लोग जिस प्रणाली का प्रयोग करते हैं उसको डेसिमल नंबर सिस्टम या दशमलविक संख्या प्रणाली कहा जाता है, लेकिन इतने भर से ही काम नहीं चलता है, चाहे व्यवहारिक भाषा में बात की जाए, चाहे व्यवहारिक जीवन में देखा जाए, चाहे आपके कंपटीशन के जीवन में देखा जाए। आजकल आपके आपकी कंपटीशन में प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं कि अगर कोई संख्या दशमलव में लिखी गई है, दशमलविक संख्या प्रणाली के अंतर्गत लिखी गई है, तो क्या हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं बाइनरी में, बाइनरी में उसका कन्वर्जन क्या होगा, या बाइनरी में कोई संख्या लिखी गई है तो उसको हम दशमलव में कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे, दशमलविक रूप से कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे। इस प्रकार का एक से दो प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। जैसे अगर हम नॉर्मली अपनी प्रणाली के अंतर्गत अगर हमने यहां पर कहीं पांच लिख दिया, हमने पांच लिख दिया, हम उस पांच को यहां पर 101 से डिनोट करते हैं, मतलब अगर हम उसको बाइनरी में लिखेंगे तो 101 से डिनोट करेंगे। अगर मैंने 6 लिख दिया तो हम उसको 110 से डिनोट करेंगे, और इस सब को कन्वर्ट करने का एक तरीका होता है जिसको आपको क्लास में समझाया जाएगा, इन सारी चीजों को बताया जाएगा, या आप किसी एक प्रणाली से दूसरी प्रणाली में संख्याओं को कैसे कन्वर्ट कर पाते हैं। अब क्योंकि यहां पर जानना आवश्यक है कि स्वरूप इसका किस पर डिपेंडेंट है, मैंने प्रणालियों की बात करी तो संख्या की ही अलग अलग यह चार प्रणालियां आपको मिल सकती हैं, और इसके साथ साथ कई और विभिन्न स्वरूप भी आपको मैथमेटिक्स में संख्या पर डिपेंडेंट आपको प्राप्त हो सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहां पर, क्योंकि अपनी पूरी मैथमेटिक्स में हम डेसिमल नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं, लेकिन हमने जैसे यहां पर बताने की कोशिश करी आपको कि डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तो यहां पर संख्याएं कुछ सिंबल्स पर बेस्ड हो जाती हैं, जैसे 0 to 9, आपकी पूरी मैथमेटिक्स यहां पर 0 to 9 पर डिपेंडेंट हो जाएगी, 0 to 9 पर बेस्ड होगी। दूसरी बात अगर हम बाइनरी की करते हैं तो बाइनरी केवल 0 to 1 पर बेस्ड होती है, इसमें केवल 2 ही सिंबल का प्रयोग किया जाता है, जबकि अभी बात करेंगे तो 0 to 7 मतलब कुल 8 सिंबल का प्रयोग किया जाता है, जबकि अगर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की बात करेंगे तो 0 to 9 डिजिट्स का प्रयोग किया जाता है, तथा A to F यहां पर सिंबल अल्फाबेटिकल सिंबल्स का प्रयोग किया जाता है। अल्फाबेटिकल सिंबल A to F और 0 to 9 यहां पर डिजिट्स, इन चीजों का प्रयोग यहां पर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में किया जाता है। हम लोग अपनी पूरी गणित में डेसिमल नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं, दशमलविक संख्या प्रणाली का प्रयोग करते हैं, तो मैं बात करता हूं दशमलविक संख्या प्रणाली की। दशमलविक संख्या प्रणाली यही हमारी मैथमेटिक्स का भाग है, यही हमारी मैथमेटिक्स की ओरिजिन है, जिसका नाम आप डेसिमल नंबर सिस्टम या दशमलविक संख्या प्रणाली कह सकते हैं। इस प्रणाली को जब पढ़ा जाता है तो इसको पढ़ने के दौरान हम 10 सिंबल से रूबरू होते हैं, कुल मिला के 10 सिंबल पर डिपेंडेंट होती है पूरी मैथमेटिक्स या पूरी प्रणाली, और वह 10 सिंबल 0 to 9 होते हैं। अगर आप अपनी पूरी गणित की बात करिए तो गणित हमारी केवल और केवल, जैसे मैंने कहा ना, कुछ चीजों पर डिपेंडेंट, जैसे अंग्रेजी भाषा हम पढ़ते हैं तो A to Z कुल 26 लेटर्स हमारे प्रयोग में लाए जाते हैं, ऐसे जब गणित पढ़ते हैं तो हम लोग इस प्रणाली का प्रयोग करते हैं, और इस प्रणाली के तहत हम केवल और केवल 10 सिंबल 10 प्रतीकों का प्रयोग करते हैं 0 to 9। क्योंकि हम 10 सिंबल का ही प्रयोग करते हैं इसलिए हमको जितनी भी संख्याएं मिलती हैं उन सभी संख्याओं का आधार 10 होता है। आधार क्या होता है? 10 होता है। अगर इसका आधार 10 होता है हम अंग्रेजी भाषा का आधार 26 कह सकते हैं, हिंदी भाषा का आधार 36 कह सकते हैं, बाइनरी का आधार 2 कह सकते हैं, ऑक्टल का आधार 8 कह सकते हैं, हेक्सा का 16 कह सकते हैं। मतलब जब चीजें आपकी लिमिटेड कर दी जाएंगी, भैया इतनी ही चीजें आपके सामने हैं अवेलेबल, आप इसी का प्रयोग करिए, यही आपके सामने पूरी की पूरी चीजें हैं, इनके अलावा कुछ नहीं आपके पास, इसका मतलब हम सब उसी पर आधारित हो जाते हैं।
और यहां पर हम अपनी गणित में देखते हैं हम पूरी तरह से इन्हीं 10 पर आधारित होते हैं। आप ऐसा कोई नंबर नहीं बता सकते जो 0 to 9 के अलग हो, इसलिए हम 0 to 9 पर ही आधारित हैं और यही हमारी संख्याओं का आधार होता है। आधार को समझना यहां पर आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहने भर की बात है कि आधार तो 10 है बट कैसे है। हम इस चीज को सिद्ध कर रहे हैं और दिखाने की कोशिश करेंगे कि अगर हम मान लीजिए कोई भी संख्या लिखें, आपको अच्छी तरह से पता है जब संख्याएं लिखी जाती हैं तो लिखा तो इधर से इधर की तरफ जाता है, बट जब काउंटिंग या कंसिडर आप करने लगते हैं डिजिट्स को तो आप इधर से कंसिडर करते हैं और कहते हैं यह होता है इकाई जिसको आप यूनिट कहते हैं, यह आपका होता है दहाई, यह होता है सैकड़ा, यह होता है हजार। आप प्लेसेस के हिसाब से डिजिट्स को कंसिडर करते चले जाते हैं, काउंट करते चले जाते हैं। इकाई का अर्थ आप सबको अच्छी तरह से पता है कि एक होता है, दहाई का अर्थ आपको अच्छी तरह से पता है 10 होता है, सैकड़े का अर्थ अच्छी तरह से पता है 100 होता है, हजार का अर्थ अच्छी तरह से पता है 1000 होता है। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं इन चीजों का जो रिप्रेजेंटेशन है वह 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3 एंड सो ऑन के रूप में कंसिडर किया जाता है। ये जो काउंटिंग करी गई है वो 10 पर आधारित काउंटिंग करी गई है, इसलिए क्योंकि आधार 10 होता है। और आधार 10 क्यों होता है, क्योंकि कुल 10 ही सिंबल प्रयोग में लाए जाते हैं और आधार 10 है। हम लोग पढ़ते आए हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं पढ़े, हम इकाई दहाई सैकड़ा हजार यूज करें और 10 के ऊपर ही डिजिट को हम अप्लाई भी किए हैं पावर्स पॉजिटिव या निगेटिव करके। लेकिन इस चीज की जानकारी रखना आवश्यक है कि आधार 10 है और इसलिए 10 है क्योंकि 10 ही डिजिट है। अब जब आप संख्याएं लिख देते हैं तो संख्याएं लिखते ही संख्याएं दो रूप में बढ़ जाती है, एक तो इंटीजर दूसरा फ्रैक्शन। कैसे, जैसे मान लीजिए मैंने यही संख्या लिख दी, या आपसे अगर कोई कह दे कि 100 रुपए लिख दीजिए या 100 लिख दीजिए, मैंने ऐसे लिख दिया, क्या यह 100 लिखना सही है? नहीं, यह 100 लिखना सही नहीं माना जाएगा। इसलिए नहीं माना जाएगा क्योंकि जब भी आप अपनी पासबुक बैंक की पासबुक उठा के देख लीजिए, आपको एंट्री दिखेगी तो उसमें जो बैलेंस लिखा रहता है आप देखिएगा 0.00 ऐसे कुछ करके बना होता है। मतलब यहां पर इन प्लेसेस का भी रोल होता है, इन प्लेसेस की भी अपनी एक इंपॉर्टेंस होती है। कैसे होती है इसको समझिए थोड़ा सा। जो भी संख्याएं लिखी जाती है वो दो रूपों में हमेशा बटी होती है, भले किसी रूप का यूज किया जाता है या नहीं किया जाता है। दशमलव के पहले के भाग को हम इंटीजर या पूर्णांक कहते हैं, दशमलव के बाद के भाग को हम फ्रैक्शनल या भिन्न कहते हैं। जब भी आप किसी संख्या को लिखते हैं अगर आपका यह दशमलव के बाद का भाग शून्य हो जाए तो संख्या प्योरली इंटीजर हो जाती है, पूर्णतः पूर्णांक हो जाती है। लेकिन कभी कभी संख्या आपको केवल पॉइंट में दी जाती है तो वह संख्या प्योरली फ्रैक्शन होती है क्योंकि इसका इंटीजर पार्ट शून्य होता है। अगर एक कंप्लीट नंबर की बात करिए, जैसे हमने 100.125 लिखा, अब यह कंप्लीट डेसिमल नंबर सिस्टम का पार्ट है जिसमें इंटीजर पार्ट 100 है और फ्रैक्शनल पार्ट 0.125। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं यह फ्रैक्शनल पार्ट चाहे जितने बड़े डिजिट का कॉम्बिनेशन होगा यह हमेशा एक से छोटा होगा। इस फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू हमेशा और हमेशा एक से छोटी होगी। ऐसे ही साइंटिफिक लाइफ में, साइंटिफिक मैथमेटिक्स में संख्याओं को दूसरे तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी 100 को वहां पर 1×10^2 से लिखा जाता है, जिसमें हम कहते हैं कि एक हमारे पास बेस होता है, एक एक्सपोनेंट होता है, एक मंटीसा होता है, उसके थ्रू प्रेजेंट किया जाता है। हमारी मैथमेटिक्स में अगर हम संख्याओं की बात करें तो संख्याओं को दो रूपों में प्रदर्शित किया जाता है, एक इंटीजर दूसरा फ्रैक्शनल। मैंने आपको बता दिया कि संख्याओं के साथ ये चीजें हमेशा इन्वॉल्व होती हैं, बस हमें कंसिडर करने की आवश्यकता है कि संख्याओं में कहां इन्वॉल्व है। तो आपने देखा कि संख्याएं दो रूपों में बटी है, इंटीजर और फ्रैक्शनल। दशमलव के पहले का भाग इंटीजर, दशमलव के बाद का भाग आपका फ्रैक्शनल पार्ट कहलाता है। यह संख्या से संबंधित कुछ बेसिक जानकारी हो गई। अब बात यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज की है संख्या की, जो है संख्याओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ द नंबर। और जैसे ही हमने क्लासिफिकेशन करने का सोचा, मतलब उसको कैटेगरी में बांटने की सोची कि संख्याओं को बांट के तो देखें कि कुल कितने प्रकार की संख्याएं हमारे पास अवेलेबल है, कुल कितनी तरह की संख्याओं का प्रारूप है हमारे पास, तो उसको जैसे ही बांटने की सोचा तो मैंने देखा संख्या का एक सबसे बृहद स्वरूप बनकर हमारे सामने आया जिसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। संख्या चाहे जिस प्रकार की हो, चाहे जिस अप्रोच की हो, आप किसी भी संख्या को कॉम्प्लेक्स नंबर कह सकते हैं, जिसको हिंदी में सम्मिश्र संख्या कहा जाता है। जो साइंस पढ़ने वाले होंगे, जो उन्होंने मैथ को मीडियम बनाया होगा, उनको अच्छी तरह से इस बारे में जानकारी होगी
कि अगर किसी भी संख्या को दो भागों में डिवाइड कर सके या दो रूपों में हम कंबाइन कर सके जिसमें एक रियल पार्ट हो दूसरा इमेजिनरी पार्ट हो तभी वह संख्या आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो हमने इसीलिए आपको पहले से बता दिया कि चाहे जिस प्रकार की संख्या है वह संख्या एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो हम लोग मैथ में पढ़ते हैं, क्योंकि वह कॉम्प्लेक्स है इसलिए उसके दो रूप बन गए, एक वास्तविक संख्या दूसरी आपकी काल्पनिक संख्या। अब मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पहली चीज तो सब वास्तविक ही होती हैं। मतलब जो भी संख्या हम प्रयोग लाइफ में लाते हैं वह सब की सब वास्तविक होती है, काल्पनिक कुछ नहीं होता है। काल्पनिक एक जस्ट कल्पना है, एक मिथ है, एक भ्रम है। जैसे कि आप लोग कोई चीज रियल लाइफ में रियलाइज करिए, आप किसी चीज को रियल लाइफ में प्रैक्टिकली केवल फील करिए वह कल्पना है, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो वह आपका रियल पार्ट है। तो जैसे जो रियल पार्ट है वही से एक्चुअल है हमारी लाइफ में, जो हमारी कल्पना का पार्ट है वो हमारे लिए एक्चुअल नहीं है, वह केवल एक भ्रम है। जैसे आप हमसे कहें कि आप अमेरिका कहीं है, बिल्कुल है क्योंकि अमेरिका हम चले जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया कहीं पर है बिल्कुल चले जाते हैं, किसी प्रशांत सागर कहीं पर भी, इस तरह की चीजों पर जो एक्चुअली प्रैक्टिकली है वह रियल टाइप का पार्ट है। लेकिन अगर कोई कह दे कि मर के हम स्वर्ग चले जाते हैं, मर के हम नरक चले जाते हैं, तो वह केवल एक फीलिंग है, वह केवल एक भ्रम है जो हम टीवी सीरियल के माध्यम से देखते हैं। हालांकि उस पर हम कोई डिबेट नहीं करेंगे, लेकिन वह एक प्रकार का हमारी लाइफ का भ्रम है क्योंकि हम उस चीज को प्रैक्टिकली कभी पॉसिबल नहीं कर पाए हैं। या ऐसा कोई व्यक्ति हो जो मरे, मर कर जाए स्वर्ग में, लौट कर आए बताए कि हमारे साथ ऐसा ऐसा बर्ताव हुआ, या नरक में गया है और बताए हमारे साथ यमराज जी ने ऐसा ऐसा बर्ताव किया, तो हम समझ जाएंगे कि हाँ वह जो है एक्चुअल रियल लाइफ का पार्ट है। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं आज तक, इसलिए उसको रियल लाइफ का पार्ट नहीं माना जाता है, उसको इमेजिनरी पार्ट, भ्रम का पार्ट कहा जाता है, काल्पनिक संसार का एक भाग कहा जाता है। उसी प्रकार से मैथ भी हमारी दो रूपों में बटी होती है, एक रियल नंबर दूसरी इमेजिनरी नंबर, वास्तविक संख्या और आभासी संख्या। तो सही सही हम लोग वास्तविक संख्या का ही प्रयोग करते हैं, चाहे जिस प्रकार की क्वेश्चन हो, जिस प्रकार का भी उसका उत्तर हो, चाहे क्वेश्चन बनाने की बात करें चाहे उत्तर लाने की बात करें, सब चीज रियल नंबर पर डिपेंडेंट होता है जिसको कैपिटल आर से इंडिकेट किया जाता है। हम यहां पर बात करेंगे एक संख्या रेखा की। यह संख्या रेखा जिसका मिड बी जीरो होता है, एक दो तीन सो वन प्लस इंफेनाइट, इधर अगर जाए तो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री सो वन माइनस इंफेनाइट, यह रिप्रेजेंटेशन वास्तविक संख्या रेखा का रिप्रेजेंटेशन कहा जाता है, रियल नंबर लाइन कहलाती है। इसमें जो मिड भाग होता है जीरो, अगर इसके हम राइट में मूव करते हैं तो हम पॉजिटिव नंबर्स प्राप्त करते हैं, अगर इसके हम लेफ्ट में मूव करते हैं तो नेगेटिव नंबर प्राप्त करते हैं, जबकि जीरो खुद न्यूट्रल होता है। जैसे कि नाभिक में न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन एक तरह से नेगेटिव नंबर हो गया, प्रोटॉन एक तरह से पॉजिटिव नंबर्स हो गया, और जो न्यूट्रॉन है न्यूट्रल हो गया, वह शून्य हो गया, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, वो ना तो किसी से जुड़कर कोई इंपैक्ट डालता है ना तो किसी से घटकर कोई इंपैक्ट डालता है, इसलिए पूरी तरह से न्यूट्रल है। अब हम थोड़ी सी और बातें यहां पर करेंगे कि जैसे ही एक रियल नंबर से दूसरे रियल नंबर की तरफ हम मूव करेंगे, बात आएगी काउंटिंग इंटीजर्स की या काउंटिंग संख्याओं की, तो पता चलेगा कि हमें जीरो से एक या किसी भी एक वास्तविक संख्या से दूसरी वास्तविक संख्या के बीच बढ़ने के दौरान हमें अनंत वास्तविक संख्याएं प्राप्त होती हैं। हमें काउंटिंग नहीं कर सकते कि कितनी संख्याएं प्राप्त होती हैं। इसका रियल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल एक स्केल है, एक स्केल के माध्यम से, घड़ी के माध्यम से हम समझ जाते हैं। जैसे आपको पता है स्केल चाहे सेंटीमीटर की हो चाहे मिलीमीटर की हो, आप हर स्केल के डिवीजन को 10 भागों में बांट कर रखते हैं। जैसे आप देखिए जीरो से वन तक पहुंचना है, तो जीरो से वन तक पहुंचने के लिए आपने सीधी सीधी सी बात है एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, इस तरह से 10 डिविजन कर रखे हैं। 10 डिविजन की बात करें तो हम ऐसे कहते कि 0.1 है या 0.2 है, आप इसको फिर से उसी तरह से 10 डिविजन में बांट सकते हैं। फिर से 10 डिविजन में बांटेंगे तो 0.11 होगा, 0.12 होगा। अब ऐसे फिर से इसको बांटते चले जा सकते हैं। तो कहने का अर्थ होता है कि दो वास्तविक संख्याओं के बीच अनंत वास्तविक संख्याएं प्राप्त की जा सकती हैं। इसलिए वास्तविक संख्याओं की काउंटिंग संभव नहीं है, इसकी गणना हम लोग यहां पर पॉसिबल नहीं कर पाते। यह बात आपकी प्रैक्टिकल है या रियल है, इसको आप लोग फील करके चलिएगा, और इसी का ही प्रेजेंटेशन हमको करना है आगे की टर्म में। लेकिन उसके पहले, क्योंकि हमारे साथ यहां पर इमेजिनरी इनरोल्ड है,
तो मैं ईमानदारी के बारे में भी कुछ जानकारी आपको देना चाहूंगा। समझने की कोशिश करिएगा, डिफिनेशन को फील करने की कोशिश करिएगा। इसमें हम आपको सबसे पहले बता दें, जैसे कभी किसी एक संख्या जो कि धनात्मक है, आप उस किसी भी धनात्मक संख्या को लीजिए और मैं कह दूं भैया इसका वर्गमूल ज्ञात कीजिए, तो पॉसिबल है आप तुरंत इसका वर्गमूल यहां पर बता सकते हैं। प्लस टू होगा और माइनस टू होगा, वर्गमूल तुरंत बता दिया। प्लस टू और माइनस टू, इसके दो वर्गमूल यहां पर संभव होंगे। लेकिन आप मुझे बताइए कि आप प्लस टू और माइनस टू इसके वर्गमूल है, इसका वर्गमूल क्या होगा? जैसे ही अंडर रूट माइनस चार की बात आई तो जाहिर सी बात है इसका वर्गमूल संभव धनात्मक और ऋणात्मक रूप में नहीं है। इसलिए नहीं है कि कोई भी संख्या, आपको अच्छी तरह से पता है कि वर्गमूल होती क्या है, वर्गमूल का वर्ग करने से मूल संख्या प्राप्त हो जाती है। आप इसका वर्ग कर दीजिए तो इसकी मूल संख्या प्राप्त हो जाएगी। और हमें इस बात की जानकारी है कि किसी भी संख्या, किसी भी नंबर का वर्ग ऋणात्मक नहीं होता है। आप अगर सोचेंगे यहां पर प्लस टू माइनस टू इनमें से किसी को भी अगर प्लान करेंगे तो आपको पता है उसका वर्ग माइनस फोर नहीं हो सकता है, इसलिए इसका डायरेक्ट वर्गमूल संभव नहीं है। इसका डायरेक्ट वर्गमूल संभव नहीं है। तो इन्हीं तरह की संख्याओं को, इन्हीं तरह के संख्याओं के स्ट्रक्चर को हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। हालांकि माइनस चार एक वास्तविक संख्या है और रूट का सिंबल एक बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल है, तो दोनों का अपना अस्तित्व है लेकिन दोनों मिलकर अस्तित्व विहीन हो जा रहे हैं। मतलब माइनस चार को आप यहां पर रियल नंबर सोच सकते हैं, अंडर रूट को भी एक रियल अच्छा सा हम लोग यहां पर एक सिंबल सोच सकते हैं जो कि मैथ में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन मिलकर दोनों अस्तित्व विहीन हो गए और दोनों इमेजिनरी बन गए, दोनों कंबाइंड होते। तो हम कह सकते हैं यहां पर डिफिनिशन में कि किसी भी ऋणात्मक संख्याओं को काल्पनिक संख्या बना देती है। दिस इज द डिफिनेशन। कहीं भी हमें नहीं कहेंगे कि संख्या एक एक्चुअली काल्पनिक होती है, हम कह देंगे नहीं, संख्याओं के, ऋणात्मक संख्याओं के वर्गमूल को ज्ञात करने की प्रक्रिया संख्याओं को काल्पनिक संख्या बना देती है। तो यह काल्पनिक संख्या बन गई, ना कि काल्पनिक संख्या थी। तो आप यहां पर इस डिफिनेशन को अच्छे समझ पाए होंगे। यहां पर एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था यूलर। उन यूलर ने कहा कि हम ऐसे भी संख्याओं की गणना कर सकेंगे, तभी तो इसको पढ़ाया जाता है। उन्होंने एक शब्द दिया आयोटा। आयोटा को सिंबलाइज किया रूट वन से, आई से, और आई का एक्सप्लेनेशन उन्होंने कुछ इस प्रकार से किया कि आई को हम मान लेंगे अंडर रूट माइनस वन, आई को हम अंडर रूट माइनस वन मान लेंगे, और किसी भी संख्या को जो नेगेटिव में दी गई है रूट के अंदर उसको ब्रेक कर दिया जाएगा अंडर रूट माइनस वन इंटू अंडर रूट फोर के रूप में, और इसकी जगह पुट करेंगे आई और इसकी जगह इसका मान पुट करेंगे तो तुरंत यह हो जाएगा प्लस माइनस टू आई, प्लस माइनस टू आई। इसलिए कभी कभी एग्जाम में आपके यह इंपॉर्टेंट शब्द बनता है और मैं हर क्लास में इसको डिस्कस भी करता हूं कि आप लोग इसको जरूर करके चलिए कि आई का मान अंडर रूट माइनस वन अगर है तो आई स्क्वायर आपका केवल माइनस वन है, आई क्यूब आपका माइनस आई है और आई की पावर चार आपको प्लस वन प्राप्त होगा। अब इसके बाद जब आई की पावर आप पांच करेंगे तो आपको फिर से ऊपर वाला आ जाएगा, छह करेंगे तो सेकंड, सात करेंगे तो थर्ड, और आठ करेंगे तो फिर आपको इसी चार का रिपीटिशन आपको अनंत तक होता रहेगा। मतलब इन चार के अलावा कोई और मान नहीं आएगा, यही चार चीजें साइक्लिक रूप से अपने आप को रिपीट करती रहेंगी। यह आई का स्ट्रक्चर है, यह आई का फॉर्मेट है और यही इमेजिनरी का अप्रोच है। हालांकि हमें ज्यादा फोकस रियल नंबर पर करना है क्योंकि हमें जो मैथमेटिक्स पढ़नी है हमारे एलिमेंट्री लेवल पर उसमें रियल का ही यूज है, हमें काल्पनिक संख्याओं का बहुत ज्यादा प्रयोग हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं, इसलिए हम लोग रियल पर फोकस करते हैं। और रियल के बारे में मैंने आपको बेसिक जानकारी दी है लेकिन मैंने अभी ये नहीं बताया है कि रियल को भी दो भागों में बांटा जा सकता है। ये देखिए, रियल को भी दो भागों में बांटा जा सकता है वास्तविक संख्याओं को, एक तो हुई परिमेय संख्या, दूसरी हुई अपरिमेय संख्या। समझने की कोशिश करिएगा, दोनों बातें आपको अच्छे से समझ में आएगी। परिमेय क्या है? सबसे पहले तो परिमेय वह संख्या है जिसे किसी भी संख्या को अगर आप p बटा q के रूप में लिख सके, मतलब ऐसे मत कहिए, ऐसे कहिए अंश बटा हर के रूप में लिख सके, या सीधा सीधा बोल दीजिए भिन्न के रूप में लिख सके, एक संख्या जिसको भिन्न के रूप में लिख सके। बट ध्यान देने की यह बात होती कि भिन्न के दोनों मान अंश और हर एक पूर्णांक हो, एक पूर्णांक संख्या हो। साथ साथ यह भी उसने हमसे कहा पूर्णांक होने के साथ साथ Q का मान, मतलब हर का मान कभी भी शून्य नहीं हो। जब हम मैथ का एक टेक्निकल फॉर्मेट पढ़ते हैं तो सबसे पहले फंक्शन में बताया जाता है कि किसी भी फंक्शन में रूट का मान नेगेटिव नहीं होना चाहिए, अंडर रूट के अंदर, रूट के अंदर कभी नेगेटिव नहीं आना चाहिए और भिन्न का हर शून्य नहीं होना चाहिए।
भिन्न का हर शून्य होते ही संख्या अपरिभाषित हो जाती है, अनडिफाइंड हो जाती है। इसलिए आपको ध्यान रखना होगा कि वही संख्या आपकी परिमेय है जो भिन्न के रूप में लिखी जा सके और हर का मान कभी भी शून्य के बराबर ना हो। तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि दुनिया की हर संख्या भिन्न के रूप में लिखी जा सकती है, आप लिख कर देख सकते हैं। आप कभी भी ये मत समझिए कि जो हमारे पास जैसे ईमानदारी को मैंने कहा एक प्रकार का प्रदर्शन है, एक्चुअली संख्या किसी ने स्पेसिफाइड नहीं किया कि आप ईमानदारी हो, वह बन जाती है। उसी प्रकार से मैं कह रहा हूं कि सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय है, कोई भी वास्तविक संख्या परिमेय अपरिमेय के रूप में ऐसे दी नहीं गई कि अलग अपरिमेय है, वह भी एक प्रकार से बन जाती है। तो कहने का अर्थ सबकी सब परिमेय है, आप हर संख्या को भिन्न के रूप में लिखकर दिखा सकते हैं। आप किसी भी संख्या की बात करिए, आप कह दीजिए पांच है, हम कह रहे भैया पांच बटा एक है, हम कह रहे एक बटा दो है, माइनस तीन बटा चार है। आप कहिए 0.5, हम कह देंगे एक बटा दो है, 0.25 एक बटा चार है। इस प्रकार से आप कोई भी संख्या ले लीजिए, कोई भी संख्या चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव चाहे दशमलव का कोई भी रूप, संख्या आपके भिन्न बन जाएगी, हर अंश के रूप में आएगी और वही संख्या आपकी परिमेय संख्या कहलाएगी। तो मैंने जैसे स्पष्ट किया कि हर संख्या आपकी परिमेय ही होती है, अपरिमेय कुछ नहीं होता है। लेकिन अगर बंटवारा किया गया है तो जाहिर सी बात इसकी अपनी एक अलग एनालिसिस होगी, एक अलग प्रकार की यहां पर इसकी गणना होगी, उसको हम लोग समझते हैं। क्या गणना होगी मैं बताता हूं। सबसे पहली चीज मैं अपरिमेय संख्या के बारे में बता दूं, यह एक ऐसी संख्या है, यह एक ऐसी संख्या है जो ना तो विभाजित की जा सके और ना ही आवर्ती हो, ना तो विभाजित की जा सके और ना ही आवर्ती हो। हम इसके बारे में बताते हैं नॉट डिफाइंड, नॉट डिवाइडेड, नॉट डिविजिबल, डिविजिबल और नॉट रिकरिंग, नॉट रिकरिंग। दोनों के बारे में समझिएगा, मैंने कहा ना तो विभाजित की जा सके पूर्णतः और ना ही आवर्ती हो, तो इसका मतलब वह भिन्न का रूप सोच रही है और भिन्न के रूप में अगर कोई संख्या लिखी जाती है तो तीन ही प्रकार का आंसर हमें प्रोवाइड करती है। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं, अगर कभी किसी संख्या में भिन्न बना तो तीन ही प्रकार का रिजल्ट उसमें आता है। एक तो जैसे हम 15 को 3 से डिवाइड करें तो आपने देखा कंप्लीटली डिविजिबल है, एक ने एक 15 को 4 से डिवाइड किया तो 3.75 आया, यह पार्शियली डिविजिबल है लेकिन यह भी टर्मिनेटिंग है। लेकिन कभी कभी जैसे 1 को 3 से भाग दीजिए, 10 को 3 से भाग दीजिए, 22 को 7 से भाग दीजिए, आप जब भाग देंगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा, आप उसका जब रिजल्ट आएगा तो वह कटेगा नहीं, कभी भी नहीं कटेगा, लेकिन 100% आवर्ती हो जाएगा। इसी को कहते हैं आवर्ती होना। जब डिवीजन के दौरान कुछ डिजिट एक पेयर के रूप में या सिंगल रूप में अपने आप को दोहराना शुरू कर दे, बार बार आना शुरू कर दे, तो उसी को कहते हैं आवर्ती होना। हमको जो इसने हमसे डिमांड करी तो उसने कहा भैया डिविजिबल भी ना हो और आवर्ती भी ना हो, तो पहले तो इसको तो भूल जाइए क्योंकि यह डिविजिबल है, या डिविजिबल है टर्मिनेटिंग है कह सकते हैं। यहां पर बात आई कि यह तो टर्मिनेटिंग नहीं था लेकिन रिपीटिंग हो गया, यह टर्मिनेटिंग नहीं था लेकिन रिपीटिंग हो गया, तो यह भी अपरिमेय नहीं हुआ। अगर इस प्रकार की संख्या भी है तो अपरिमेय नहीं है। इसकी जो डिमांड है उस डिमांड के तहत ऐसा कोई डिवीजन हो, ऐसा कोई डिवीजन हो जिसमें दशमलव के बाद अंक, जिसमें दशमलव के बाद अंक अपने आप को दोहराए भी ना और कटे भी ना, अनंत तक चलते चले जाए। यह पॉसिबिलिटी केवल और केवल वर्गमूल से ही संभव है और उस प्रकार की संख्याओं का वर्गमूल किया जाएगा जो कि पूर्ण वर्ग नहीं होंगी। देखिएगा मैंने यहां पर उन संख्याओं को लिखने की कोशिश करी जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। हम उन संख्याओं के वर्गमूल को ज्ञात करने की प्रक्रिया संख्याओं को अपरिमेय संख्या बना देती है। इसलिए फिर भी समझिएगा संख्याएं अपरिमेय नहीं होती है, संख्याएं अपरिमेय बन जाती है। आप रूट टू का मान निकालेंगे तो 1.41 समथिंग करके अनंत चलता चला जाएगा, ना तो कभी टर्मिनेशन होगा ना तो कोई रिपीटेशन होगा। इसी तरह से 3 का मान, मतलब मैंने 1 को छोड़ा पूर्ण वर्ग है, 4 को छोड़ा पूर्ण वर्ग है, 9 को छोड़ा, 16 को छोड़ा, 25 को छोड़ा, इस प्रकार से हम छोड़ते चले जा रहे हैं और जो बीच की डिजिट हमें संख्याएं मिल रही है उनका हम वर्गमूल निकालने जा रहे हैं, वही संख्या अपरिमेय हो रही है। यह अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या वही है जो बिल्कुल ना कटे ना ही आवर्ती हो, उसी को आप अपरिमेय कह सकते हैं। आप इसको नोट कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं इस चीज को। तो मुझे लगता है बात भी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी।
जैसा कि मैंने बताया कि हमें जो ज्यादा काम करना है वह रैशनल नंबर परिमेय संख्याओं पर करना है, क्योंकि सभी तो परिमेय ही होती है, अपरिमेय तो कहां होती है। तो इस प्रकार से अब हमारी आवश्यकता है कि हम परिमेय को भी डिफाइन करें, और जब मैंने परिमेय को डिफाइन किया तो संख्याएं हमारे फिर से दो भागों में बढ़ गई। तो एक पहला भाग हमारा आया इंटीजर, दूसरा भाग हमारे पास आया फ्रैक्शनल नंबर। इंटीजर का मतलब पूर्णांक, फ्रैक्शनल नंबर का मतलब भिन्न संख्या। सबसे पहले जैसा कि आपने रियल नंबर को देखा था कि आपके पास एक लाइन थी और उस लाइन पे 0, 1, 2, 1 प्लस इन्फिनाइट, -1, -2, -1 इन्फिनाइट, मूलतः यह वास्तविक है, परिमेय तो नहीं कह सकते इसको हम लोग, लेकिन हम इसको वास्तविक कह सकते हैं। अगर यह वास्तविक है तो ऑलमोस्ट सभी परिमेय है। मुझे इसमें से दो कैटेगरी बनानी थी, एक तो सबसे पहले जो सीन हो, जो विजिबल है, उनको उठा के यहां रख दीजिए, माइनस इन्फेनाइट डॉट 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 -2, -1, 0, 1, 2, 1 प्लस इन्फेनाइट, यही आपका इंटीजर है जिसको आई या जेड से इंडिकेट करते हैं। अब जो बीच में हमारे पास हर एक इंटीजर के बीच संख्याएं हैं, 0 से 1 तक पहुंचने के लिए जो हमारे पास संख्याएं हैं, 1 से 2 तक पहुंचने के लिए, -1 से 0 तक पहुंचने के लिए, तो जो इंटीजर के दो बीच की संख्याएं वही आपकी फ्रैक्शनल है, वही आपकी भिन्न संख्या है, जो प्रॉपर भिन्न बना रही है, जो प्रॉपरली भिन्न जनरेट करे। हालांकि भिन्न को एक्सप्लेन किया जाएगा, लेकिन यहां पर हम ऐसे कह सकते हैं दो पूर्णांक संख्याओं के बीच जितने भी डिजिट है ऑलमोस्ट आपके सबके सब क्या है, एक प्रकार की भिन्न संख्या है। यह आप कन्फर्म किए होंगे। चलिए अब अगर आपने यहां पर इसको समझा है, क्योंकि देखिए अब हमें जो मोस्टली काम करना है वो पूर्णांक पर काम करना है, तो पूर्णांक की भी कैटेगरी है, और मैं उस पूर्णांक की कैटेगरी को आपको फिर से एक स्ट्रक्चर के माध्यम से समझाऊंगा, आप लोग ध्यान दीजिए। ये देखिए पूर्णांक, और ये ही पूर्णांक मैंने अभी अभी एक्सप्लेन किया आपके सामने, ध्यान देना है आपको, माइनस इन्फिनाइट डॉट 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 -2, -1, 0, 1, 2, so on प्लस इन्फिनाइट, ये पूर्णांक का कॉम्बिनेशन है। याद रखना, अगर कहीं किसी ने हमको कहा कि सर ये जो लाइन बनी है 0, 1, 2, 3, so on प्लस इन्फिनाइट, -1, -2, so on, -infinite, क्या इन दोनों में कोई रिलेशन है या फर्क है, हम कहते हैं बहुत बड़ा फर्क है। यह एक रेंज संख्या है और यह रियल नंबर लाइन है, इसमें 0 के बाद अनंत संख्याएं क्रॉस करके तब हम 1 पर पहुंचते हैं, जबकि यहां 0 के तुरंत बाद 1 है, 1 के तुरंत बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, इसी तरह से इधर भी नेगेटिव है, मतलब बीच में भिन्न संख्या बिल्कुल नहीं है। आप किसी भी संख्या को दशमलव के बाद किसी डिजिट के साथ इन्वॉल्व मत करिएगा, कहीं भी हर एक के अलावा मत लगाइएगा, तो वही पूर्णांक संख्या है। अब अगर वह पूर्णांक है तो उसके भी 3 रूप बनकर आए, एक तो 0, देख लीजिए 0 के इधर अगर गए तो पॉजिटिव, 0 के इधर अगर गए तो नेगेटिव। तो हम इतने जानकार होते हैं, इतनी बातें हमको पता होती है कि अगर हम 0 के इधर जा रहे हैं तो बढ़ रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, और 0 के अगर हम विपरीत जाएंगे, आपके अब लेफ्ट जाएंगे तो हम डिक्रीज करेंगे, इधर जाएंगे तो डिक्रीज करेंगे। और बात यहां पर 0 के लेफ्ट राइट के साथ साथ न्यूट्रल की भी जाएगी, शून्य की भी जाएगी, तो आपको पता है यही मीडिएटर है और इसी ने बांटा है। इसने बांटा तो ये बिहेव कैसे कर रहा है, ये कह रहा है कि मेरे नजदीक जो सबसे पहला पॉजिटिव इंटीजर है वह सबसे छोटा इंटीजर है, मेरे नजदीक जो सबसे पहला नेगेटिव इंटीजर है वह सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर है। मतलब 1 सबसे छोटा है, इसका मतलब सबसे बड़ा पॉजिटिव इंटीजर हम नहीं पता कर सकते, सबसे छोटा नेगेटिव इंटीजर हम नहीं पता कर सकते, वह अनंत तक जाता है, वह भी अनंत तक जाता है। कैटेगरी के हिसाब से अगर हम पॉजिटिव साइड को बांटें तो पॉजिटिव साइड को 0 के साथ अगर लेकर चलेंगे तो हमें मिलेगा होल नंबर, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या की शुरुआत 0 से होती है और काउंटिंग में आप लोग ऐसे बढ़ा सकते हैं इनफिनाइट तक। 0 से लेकर अगर हम डिजिट को स्टार्ट करके इनफिनाइट तक चले जाएं तो उसको हम पूर्ण संख्या या हम होल नंबर कहते हैं। 0 को अगर हम छोड़ दें और काउंटिंग 1 से करना प्रारंभ करें तो सभी संख्याएं आपकी प्राकृतिक हैं। बात आएगी यहां पर प्राइम नंबर या अभाज्य संख्याओं की, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभाज्य संख्याओं को थोड़ा अच्छा समझना चाहिए आपको, क्योंकि अभाज्य पर बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। अभाज्य के और भी अप्रोच भी है, मैंने जैसे यहां पर मेंशन कर रखा है, लेकिन पहले तो अभाज्य समझ लीजिए क्या है। अभाज्य एक प्रकार की ऐसी संख्या है
जो खुद से कटती है और एक से कटती है, इसके अलावा किसी से नहीं कटती है। अभाज्य एक प्रकार की ऐसी संख्या है जो खुद से कटती है और एक से कटती है, इसके अलावा किसी अन्य से नहीं कटती है। तो ये भी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दुनिया की हर संख्या खुद से कटती है और एक से कटती है, और इसके अलावा कुछ संख्याएं अपने अलावा एक के अलावा भी बहुत सारी संख्याओं से कटती है, लेकिन जो संख्याएं इनके अलावा और किसी से ना कटे, इसका कहने का अर्थ हो गया कि जिन संख्याओं के केवल दो गुणनखंड हो, जिन संख्याओं की केवल दो गुणनखंड हो, ओनली टू, ना दो से कम ना दो से ज्यादा, वही संख्या अभाज्य है। तो जिन संख्याओं के केवल दो गुणनखंड हैं, ना तो दो से कम ना तो दो से ज्यादा, वही अभाज्य है। तो इसकी बात, इसकी शुरुआत हम लोग दो से करते हैं। नंबर तीन का आता है, पांच का आता है, सात का आता है, ग्यारह का आता है, तेरह का आता है, सत्रह का आता है, उन्नीस का आता है, सोन बढ़ता चला जाता है। कहीं कहीं कंफ्यूजन हमारे दिमाग में रहता है, एक क्यों नहीं, एक भी तो खुद कटता और एक से कटता है, लेकिन एक से कटना, खुद से कटना दो गुणनखंड प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, एक ही गुणनखंड प्रोवाइड कर पा रहा है। तो हम जीरो और एक को भाज्य अभाज्य की कैटेगरी में नहीं रखते हैं, ठीक है। हम यहां पर वन को भाज्य, सॉरी जीरो को नहीं, वन को हम भाज्य अभाज्य की कैटेगरी में नहीं रखते, ना तो इसको भाज्य बोलते हैं ना ही अभाज्य बोलते हैं। एक के बाद दो से शुरुआत करते हैं अभाज्य संख्याओं की, इसका अर्थ हुआ कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी दो है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी दो है। तो दो से हम स्टार्टिंग करते हैं और दो से कंटिन्यू यहां पर चीजें चलती चली जाती हैं। आपको उन तमाम संख्याओं को प्राप्त करना होता है जो संख्याएं खुद से कट रही है और एक से कट रही है, तो वही अभाज्य है, इनके केवल और केवल दो गुणनखंड होते हैं। हम इसके तीन रूपों के बारे में डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे, बट इस क्लास में नहीं। यहां पर मैं आपको बता दूं कि इसके अभाज्य के कुछ और अप्रोच हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलेटिव प्राइम नंबर, इसको कहते हैं हिंदी में अपेक्षित या सापेक्षित अभाज्य संख्या। तो सापेक्षित अभाज्य संख्याओं के बारे में मैं डिटेल जानकारी दूंगा। को प्राइम नंबर, जिसको आप सह अभाज्य संख्या कहेंगे, विथ एग्जाम्पल विथ टेबल, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में बताऊंगा। ट्विन प्राइम नंबर, जिसको आप कहते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या, इसके बारे में भी नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा। इन अभाज्य संख्याओं के बेहद डिटेल को आपको नेक्स्ट क्लास में समझाया जाएगा, और बहुत सारे फैक्ट हैं, बहुत कंफ्यूजन है, बहुत सारी डिटेल डिस्कशन है जो आज इस लेक्चर के माध्यम से आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, और इसके बाद इनका उपयोग आप कर सकेंगे अपने कंपटीशन की मैथमेटिक्स में। तीसरी बात मैंने यहां पर इसके बारे में बताया, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट को कहेंगे भाज्य संख्या। भाज्य वह है जो कि अपने और खुद, अपने और एक के अलावा भी कम से कम किसी एक संख्या से कटे, अर्थात इसके कम से कम तीन गुणनखंड हो। कम से कम इसके अगर तीन गुणनखंड, तो यह आपकी भाज्य संख्या है। जैसे चार है, छह है। अब आप देखिए, एक से कटता, खुद से कटता, दो से भी कटता, एक से कटता, छह से कटता, दो से भी कट रहा है, तीन से भी कट रहा है। तो जिसके कम से कम तीन गुणनखंड हो, ज्यादा की हम बात नहीं कर रहे हैं, वही आपकी भाज्य संख्या है। तो आपने भाज्य सीखा और अभाज्य सीखा। इसके साथ साथ दो रूप मैंने और लिख करके ऑलरेडी रखा है, देखिएगा आप लोग। लेकिन हम इसको अलग इसलिए रखे हैं, इसका कारण है, कारण ये है कि ना तो हम इसको नेगेटिव साइड में रख सकते थे, ना तो इसको प्रॉपरली हम पॉजिटिव साइड में रख सकते थे, क्योंकि यह ऐसी संख्याएं होती है जिसे आपको पता है कि इवन क्या है, वह सम संख्या है, मतलब दो से कंप्लीटली कटती है, मतलब जिसके अंत में शून्य, दो, चार, छह, आठ आता हो, इंडेड विथ, जिसके अंत में यह आता है वही सम है। लेकिन यह नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है, इसलिए इसको अलग कैटेगरी में रखा गया। यह भी एक बहुत बड़ा फैक्ट है, इसको नेगेटिव पॉजिटिव दोनों कैटेगरी में रखा जा सकता है। जिन संख्याओं के अंत में शून्य, दो, चार, छह या आठ आता है, वही संख्या सम संख्या कहलाती है। आगे देखिएगा, ऑड नंबर, जिन संख्याओं के अंत में एक, तीन, पांच, सात या नौ आता है, वह संख्या विषम संख्या कहलाती है। यह संख्याएं दो से पूर्णतः नहीं कटती है, तो यह संख्या आपकी विषम संख्या कहलाती है, और यह भी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होती है, इसलिए इसको भी अलग नजरिए से देखा जा रहा है। इसको ना तो इधर रख पा रहे, ना तो इधर रख पा रहे, इसलिए हमने कैटेगरी वहां पर बना के रख दी है। यह डिटेल जानकारी है संख्याओं के बारे में, संख्याओं के क्लासिफिकेशन के बारे में। तो जो मैंने पढ़ा उसका एक स्ट्रक्चर आपके दिमाग में होना जरूरी है, जो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और स्ट्रक्चर मैंने यहां पर बोर्ड पे बना रखा ऑलरेडी। संख्याएं हमने जो पढ़ा है आपके, कॉम्प्लेक्स नंबर दो भागों में बांटा, काल्पनिक और वास्तविक, काल्पनिक को दो भागों में, परिमेय और अपरिमेय, परिमेय को दो भागों में बांटा, इंटीजर और फ्रैक्शनल, इंटीजर के जो स्ट्रक्चर बन सकते थे उसको मैंने यहां पर डिवाइड किया और समझाया।
इस पे कई प्रश्न बनते हैं जो हम अगली क्लास में लेकर आएंगे। आज की इस क्लास को तो हम यही मान लीजिए फिनिश करेंगे, लेकिन अगली क्लास में भी बहुत सारे ऐसे फैक्ट हैं जो कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड होंगे, लेकिन इसी फैक्ट के साथ रिलेटेड होंगे। यहां पर हम बातें समझेंगे, जैसे एक स्ट्रक्चर आपके दिमाग में होना चाहिए और इसी स्ट्रक्चर से नंबर का क्लासिफिकेशन समझना होना चाहिए। मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, कभी भी कोई कहेगा, देखिएगा ध्यान से, कि क्या सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय होती हैं। देखिए ऊपर से नीचे की तरफ मैं थोड़ा सा रिलेट करा रहा था तो पता चला नहीं, क्योंकि सभी वास्तविक परिमेय अपरिमेय दोनों हो सकती, बट अगर मैं कहूं कि सभी परिमेय संख्या वास्तविक हो सकती तो आपके यस। इसी तरह से पूरा स्ट्रक्चर ऊपर से नीचे की तरफ यहां पर एक्सेप्टेंस पे और नॉन एक्सेप्टेंस पर डिपेंडेंट है। यह केवल इतने पे ही नहीं होगा, यह अभाज्य भाज्य की जो भी कैटेगरी थी उस पर भी होगा, इवन ऑड की जो कैटेगरी थी उस पर होगा। कई सारे ऐसे फैक्ट हैं, ऐसे तथ्य हैं जो कि हमने जितने टर्म पढ़ाए, चाहे वो अपरिमेय से पढ़ाया हो, चाहे भाज्य अभाज्य से पढ़ाया हो, चाहे सम विषम से पढ़ाया हो, चाहे भिन्न पूर्णांक से पढ़ाया हो, उन सब पर हम आपको एक बृहद, एक इंपॉर्टेंट टर्म विथ फैक्ट, विथ क्वेश्चन, विथ ऑप्शन हम आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि यह स्ट्रक्चर आपको समझ में आया होगा, यह कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर यह समझ में आया है तो मेरे लिए बड़े हर्ष की, बड़ी खुशी की बात है, और हम लोग इसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग नेक्स्ट क्लास में करना शुरू करेंगे। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगा, इस क्लास को प्रॉपर देखिए और देखने के बाद अगले क्लास पर अपने आप खुद से रिएक्ट करिए। तो इसी उम्मीद के साथ, इसी आशा के साथ कि सब कुछ अच्छी चीजें होंगी, मैं इस क्लास को समाप्त करता हूं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे। धन्यवाद।